आज हम बात करेंगे कि जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है, FUE, उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, मतलब किस तरह से हम प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल, आई एम प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप आता है डोनर एरिया की असेसमेंट। हम पेशेंट आते हैं, उसको पहले डोनर एरिया की असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट मीन्स कि डोनर एरिया की क्वांटिटी कितनी है, डोनर एरिया की क्वालिटी कितनी है, कितने मल्टीपल रूट्स हैं, टूज कितने हैं, थ्रीज कितने हैं, फोर्स कितने हैं, सब असेसमेंट करके पेशेंट के ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में एक तो वायरल मार्कर्स होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, और साथ में कोविड का टेस्ट करते हैं, और साथ में BT CT और ब्लड शुगर और BP चेक करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें टेस्ट करने के बाद, अगर सपोज किसी पेशेंट की मेडिसिन चल रही है, कोई हार्ट की या कोई BP की या कोई शुगर की, तो सारी चीज़ें चेक करके प्रॉपरली असेसमेंट करके, ताकि पेशेंट मेडिकली फिट हो, उसके बाद ही हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद प्लान करते हैं कि कितने रूट्स इस क्लाइंट के लिए सूटेबल रहेंगे विद फुल डेंसिटी। फिर हम प्लान करते हैं कि कितने रूट्स हमने सिंगल लगाने हैं, कितने रूट्स हमने डबल लगाने हैं। जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो जैसे मार्किंग कर ली है, असेसमेंट कर ली डोनर एरिया के, उसके बाद हम ट्रिमिंग करके सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया बैक में देते हैं। बैक में लोकल एनेस्थीसिया देके ये भी पेनलेस रहता है, बिकॉज कुछ टाइम के लिए हम पेशेंट को सेडेशन दे देते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया भी पेनलेस रहेगा। और उसके बाद जब एक्सट्रैक्शन हो जाती है, जब फ्रंट में फिर हमने सेटिंग करनी है, फिर हम दोबारा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं अलॉन्ग विद द सम सॉर्ट ऑफ सेडेशन, ताकि पेन ना रहे। फिर उसके बाद हम पंचिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो पंचिंग होता है। पंचिंग करने के बाद एक्सट्रैक्शन होती है, रूट्स को बाहर निकाल लेते हैं, उसमें से फिर हम वंस, टूज, थ्रीज, फोर्स सबको डिवाइड करते हैं, ताकि जो फ्रंटल लाइन है उसमें हम सिंगल रूट्स लगाएं, अगर टेम्पल्स बनाए हैं तो उसमें हम सिंगल रूट्स लगाएं, और जहाँ पे हमने डेंसिटी देनी है ज़्यादा, वहाँ पे हम टूज, थ्रीज या फोर्स लगाएं। वो सारी चीज़ें सेग्रीगेट करके, एक्सट्रैक्शन करके फिर हम करते हैं स्लेटिंग। स्लेटिंग का मतलब है कि हम होल्स बनाते हैं जहाँ जहाँ पे हमने रूट्स को लगाना है। तो जब स्लेटिंग हो जाती है, उसके बाद हम इम्प्लांट स्टार्ट करते हैं। जो रूट्स हमने निकाले हैं, उसको हमने सेपरेट किया है, उसको हम इम्प्लांट करेंगे। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमने रूट्स निकाले हैं और जो हमने इम्प्लांट करना है, दैट शुड बी इम्प्लांटेड विद इन 2 to 3 hours। इससे ज़्यादा ऊपर टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो रूट्स की वायबिलिटी कम हो जाती है और ग्रोथ का चांसेस कम रहता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तभी ये काम फास्ट होता है कि रूट्स निकाले, उनको सेपरेट किया और साथ के साथ हमने उसको इम्प्लांट कर दिया। जो रूट हमने 10 बजे निकाला है, वो 12 और 1 के बीच में इम्प्लांट हो जाना चाहिए। जब इम्प्लांट हो जाता है सारा, उसके बाद फाइनल चेकिंग होती है, लाइन की चेकिंग होती है कि लाइन करेक्ट है, कोई आगे पीछे तो नहीं, अगर कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो हम उसको करेक्ट करते हैं। साथ के साथ ही डेंसिटी एक बार चेक करते हैं, कितनी डेंसिटी हमने दी है, और डेंसिटी अगर देना पॉसिबल है तो हम स्टिक एंड प्लेस करके और डेंसिटी देते हैं उसमें। और उसके बाद फाइनली हम ड्रेसिंग कर देते हैं पेशेंट की, और पेशेंट को आगे जो मेडिसिन लेनी है वो उनको समझा देते हैं, और आगे जो प्रिकॉशंस लेनी है वो उनको समझा देते हैं। तो जो अप्रॉक्सीमेट टाइम लगता है हेयर ट्रांसप्लांट में, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने रूट्स लगाने हैं। अप्रॉक्सीमेट जो टाइम है, जैसे सपोज आपने 2000 रूट्स लगाने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 hours का टाइम लगता है। अगर आपने 3000 रूट्स लगाने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 hours का टाइम लगता है। अगर आपने 4000 ग्राफ्ट लगाने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 hours का टाइम लगता है। एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 35 से लेकर 4000 ग्राफ्ट तक ही लगते हैं, 1000 ग्राफ्ट लगते नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका टाइम है वो 8 घंटे 9 घंटे के बीच में सारा ट्रांसप्लांट कवर हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द रूट्स टू बी इम्प्लांटेड। तो एक ये बेसिक स्टेप है जो हेयर ट्रांसप्लांट का होता है, और जो जो हम प्रोसीजर करते हैं ये उसमें रहता है। थैंक यू वेरी मच।